मिर्ची बॉलीवुड। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। अजय देवगन ने अपनी एक्टिंग से हर बार लोगों को दिखाया है कि वो भी किसी खान से कम नहीं है। गोलमाल जैसी फिल्म से उन्होंने लोगों को हंसाया भी, रोमांटिक फिल्म करके अपना जादू भी चलाया, कभी सिंघम बनकर डराया तो कभी सीरियस रोल करके रुलाया भी। अजय देवगन हर रोल को बखूबी निभाते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म बेड आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। वहीं अजय अब दे दे प्यार दे, टोटल धमाल, तानाजी, चाणक्य, लव रंजन की फिल्म और एक सईद अब्दुल रहीम फुटबॉल कोच की बायोपिक पर काम करने वाले हैं। वहीं आज हम आपको बताएंगे अजय देवगन की उन फिल्म्स के बारे में जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट किया और बाद में वो फिल्में हो गई थी सुपरहिट। तो चलिए देर किस बात की जनाब, आइए दिखाते हैं आपको। नंबर वन, कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान, काजोल और रानी की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है में अजय को राहुल का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया था और फिर जाकर ये फिल्म शाहरुख खान की झोली में आ गिरी। वैसे अगर अजय इस फिल्म का हिस्सा होते तो प्यार तो होना ही था राजू चाचा इश्क के बाद अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल की जोड़ी फिर से हमें इस फिल्म में दिखाई देती। नंबर टू, करण अर्जुन। ड्रामा, एक्शन, रोमांस से भरपूर फिल्म करण अर्जुन में सलमान और शाहरुख की गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली थी, लेकिन अगर अजय इस फिल्म को करने के लिए मना नहीं करते तो सलमान का रोल उन्हें मिलता। लेकिन कहा जाता है कि अजय ने इस फिल्म को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनकी इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन से लड़ाई हो गई थी। नंबर थ्री, डर। 1993 में आई जूही, सनी देओल और शाहरुख खान स्टार फिल्म डर। इस फिल्म ने सभी को अपना दीवाना कर दिया था। इस फिल्म की वजह से शाहरुख की किस्मत चमक गई थी। उन्हें इस फिल्म के हिट होते ही काफी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे, लेकिन अगर अजय इस फिल्म में काम करने के लिए मना नहीं करते तो शाहरुख खान हिट नहीं हो पाते। नंबर फोर, बाजीराव मस्तानी। संजय लीला भंसाली की बेहतरीन फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए भी अजय देवगन को कास्ट करने का प्लान बना था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो संजय के साथ अजय के कुछ पंगे हो गए थे जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया था। वैसे देखा आपने, अगर अजय ने इन फिल्मों को नहीं कहा होता नो तो आज उनकी सुपरहिट फिल्मों में डर, कुछ कुछ होता है, बाजीराव मस्तानी और करण अर्जुन भी शामिल होती। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।